सफिशियंट टाइम, टाइम कितना हुआ? अभी जेंट्स लोगों के लिए मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग जब शेविंग करते हैं तो शेविंग करते समय कभी कभार हाथ स्लिप होता है और कट जाता है, तो कटने के बाद सबसे पहले रिएक्शन क्या होता है? जब कटता है तो क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले क्या करते हैं? तुरंत प्रेशर। तो हमको पता है कि प्रेशर देने से रुकता है, तो हम लोग तुरंत प्रेशर देते हैं। प्रेशर देके नेक्स्ट एक्शन हमारा क्या होता है? बाद में क्या करते हैं हम? डेटॉल लगाओ, टट्टी लगाओ, हल्दी लगाओ, है ना, रुकता है। लेकिन वो बाद में करते हैं, हम लोग पहले प्रेशर देते हैं और आईने में ऐसा देखते हैं आता है, दो तीन बार देख के आता है, फिर टट्टी लगाओ, हल्दी लगाओ, उसको चूना लगा देते हैं, चूना लगने से आराम होता है, तो प्रेशर आ जाता है चूना से, इसलिए रुकता है। तो प्रेशर इम्पॉर्टेंट है, प्रेशर टाइम भी, कितना टाइम दबाना चाहिए? मोर देन 3 मिनट्स सुपरफिशियल कट है, 3 मिनट से ज़्यादा दबा के रखेंगे तो ब्लीडिंग रुकता है। लेकिन हम लोग 3 मिनट वेट ही नहीं करते, 8-10 सेकेंड में देखते बार बार होना, ब्लीडिंग को सब्जी काटते समय उंगली कटती है, शुरू में पकड़ते लेकिन बार बार देखते आते हैं, फिर पट्टी लगाते हैं, है ना। 3 मिनट से ज़्यादा दबा के रखेंगे तो खुद रुक जाता है सुपरफिशियल कट है तो। लेकिन डीप कट है, आर्टरी कट गई तो उसके लिए इलाज क्या है? यहाँ का नस कर गया अंदर का तो कोई बेहतर कैसे रुकाओगे? कहाँ पे पट्टी बांधोगे? समझो,
ये नाक का गुना फट गया है तो कैसे क्या रुकेगा? ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन लेना है, अगर 500 हो जाए तो जेल में बुला रखो, आसपास
कुछ करने वाले हैं, डॉक्टर के पास उसका इलाज है, डॉक्टर उसको इलाज करेंगे, इंग्लिश नहीं कहना उधर है उसको बता देंगे। और 90% कोशिश करो अगर पॉइजनस मतलब स्नेक काटा है तो उसको 90% कोशिश ये करो कि उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैक्सीन अवेलेबल होती है ना, तुरंत उसको एंटी स्नेक वेनम मिलने से जान बचने में मदद मिलेगी। प्राइवेट हॉस्पिटल में हो सकता है अवेलेबल है तो मेडिकल स्टोर से प्रिस्क्राइब करो, फिर चार मेडिकल स्टोर घूमते बैठो, टाइम वेस्ट करो। सरकारी अस्पताल में अवेलेबल होता है तो तुरंत उधर लेके आए, नहीं तो लोग सोचते हैं कि अभी जहर काटा में अच्छे से अस्पताल में जाऊँगा, फिर उधर एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल नहीं है तो टाइम वेस्ट जाएगा, इसलिए जल्दी से जल्दी उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाए। बिल्कुल यहाँ पे टाइम बांध के नहीं रखना है, आई बात समझ में। बीमारी आती है हीट, हीट आती है तो उसको इलाज क्या है, फर्स्ट एड क्या करना है उसको, हाँ दांत के बस तो क्या करना चाहिए, चप्पल सुना लेगा सुनाते लो बराबर है, और अंदर ही है
फिर भी आपको दाग लगे घर की कोशिश करते दाग दो, कुछ मत करो उसको, तो क्या रस रखो होश में आने वाला है, आए बस बोलिए हवा दो उसको बस। इलेक्ट्रिक शॉक लग गया तो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है, शॉक लग गया बंद कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट कट हो गया या लकड़ी से उस आदमी को बाजू में किया, ये हमारा शक्ति हो गया। लेक्चर की शुरुआत हमने की पहले हमारा शक्ति जो सिंह सेव कर दिया उसको क्या करना है, क्या हो सकता है शॉक लगने से, एक तो दिल की धड़कन बंद हो जाएगी या चालू रहेगी, चालू रहेगी तो हमको कुछ नहीं करना है, एम्बुलेंस बुलाना उसको अस्पताल में, लेकिन रुक गई तो पानी में डूब रहा है, स्विमिंग टैंक में डूब रहा है तो आप पहले उसको पानी से भाग लिया फिर उसका पानी भाग लिया, ये रहेगा पेट दबा पानी बाहर निकलेगा, दर्द नहीं कर रोड पे रख के पेट दबाया उल्टा सुलटा के पेट दबाया तो पानी बाहर निकलेगा, चालू हो गया उसका रेस्पिरेशन तो ठीक नहीं हुआ तो आपको सीख गया जल गया बंद हो गया जल गया, गरम पानी सादा नॉर्मल पानी, नॉर्मल पानी के अंदर उसको डुबोना है, डुबोना है मतलब इधर से नीचे, हाँ जला हुआ पार्ट को ठंडे पानी में डुबो के रखो 10 मिनट का, है ना, हीटिंग प्रोसेस कम होना चाहिए, सुपरफिशियल बर्न हो गया तो जल्दी ठीक हो सकता है, बर्न हो गया तो दिक्कत आती है, इन्फेक्शन होता है, ज़्यादा दवाई याद रखनी पड़ती है या सीरियस भी हो सकता है, इसलिए तुरंत ठंडे पानी में डूबो दोगे तो हीटिंग प्रोसेस बंद हो गया, सुपरफिशियल बर्न होगा, सुपरफिशियल बर्न हो गया तो ऊपर के ऊपर जला हुआ जल्दी से ठीक हो सकता है, आई बात समझ में, डीप और डिफॉर्मिटी मतलब फ्रैक्चर, हड्डी टूट जाती है फ्रैक्चर हो जाता है, हमारे शरीर के अंदर लॉन्ग बोन कितने हैं, यहाँ पे ये हड्डी है यहाँ पे दो दोनों तरफ, वैसे पैर में इधर एक इधर दो दोनों तरफ, ये लॉन्ग बोन है लंबा हड्डी लंबा है इसलिए जल्दी से टूटने के माध्यम चांसेस होते हैं टूट जाती है, हड्डी टूट जाती है तो क्या होता है, हर हड्डी के बाजू से एक खून सप्लाई करने वाला नर्व जाता है, सेंसेशन सप्लाई करने वाला नर्व, तो हड्डी टूटने से क्या होता है, मान लो ये हड्डी है तो बाजू से खून सप्लाई करने वाला नर्व सेंसेशन सप्लाई करने वाला नर्व, हड्डी टूटने से क्या होता है, ये नर्व को यहाँ पे फोल्ड हो जाता है, ये नर्व को यहाँ पे फोल्ड ऐसा कर इसको तो आगे का सप्लाई कम होगा, और हड्डी जब टूट जाती है तो शार्क कट नहीं होती है, क्रिस्क्रॉस ऐसे शार्क रेंजेस निकल गई उसको नोक नोक निकल गई, है ना, और जब तक हड्डी सिंगल बोन है तब तक स्टेबल है, टूटने से अनस्टेबल हो जाता है, शार्क रेंजेस निकलेगी, हिलता है हिलेगा तो यहाँ पे पंचर करता है, पंचर करेगा तो पे दर्द होता है, दर्द होगा तो हिलता है, हिलेगा तो पंचर करते पंचर करेगा तो दर्द होएगा तो मिलेगा मिलेगा तो पंचर करेगा, ये तक तीन ही प्रोसेस चालू रहता है और फर्दर डैमेज बढ़ जाता है, इसलिए हाथ है तो हाथ पैर है तो पैर खींच के सीधा करना है, खींच के सीधा करने से क्या होगा, खून सप्लाई सेंसेशन सप्लाई सही से अलार्म रहेगा, और खींच के सीधा करके हमको क्या करना है, विक्रम भाई सोच रहे हैं विक्रम भाई होश में है,
जैसे पकड़ा चिल्लाएंगे चिल्लाएंगे तो फिर छोड़ देगा, फिर पकड़ेगा और जोर से चिल्लाएगा छोड़ देगा, पकड़ छोड़ पे डैमेज ज्यादा बढ़ेगा, है ना। इसलिए मन में पक्का सोचना है, एक ने नीचे से पकड़ के रखो, हाथ सीधा करते से तो इतने भाई हमको फिर भी आपका काम है उनका हाथ सीधा करना है ना। सबको हाथ देखो आसान है, पैर है भी थोड़ा दिमाग बीच में नहीं जाना है, ये पैर फ्रैक्चर है बॉडी के इस तरफ खड़ा रहे, ये पैर फ्रैक्चर है बॉडी के इस तरफ खड़ा रहे, पैर जमीन से ऊपर शरीर से बाहर नहीं है, पैर को करके खींचते मत बैठो, सिंपल अपना बॉडी वेट से पीछे थे, हमारे बॉडी वेट से पैर सीधा होता है, यहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल, घुटने के ऊपर से लेके सपोर्ट रखना है, बांध देना है, बीच में नहीं जाना, क्यों मदद करने वाले आदमी का पूरा ध्यान उसके फ्रैक्चर साइड पे है ना, फ्रैक्चर हो गया उधर देखता है, जाएगा उधर देखते देखते जाके ये पैर को ऐसे पकड़ेगा, जैसे पैर पकड़ा उसको दर्द होएगा, दर्द होएगा तो ये पैर से तुरंत शुरू में एम्बुलेंस बुलाया, तो लात कब बैठेगी, बीच में रहेगी, बीच में जाए तो, है ना। इसलिए बीच में जाने का किसी भी चीज के बीच में नहीं जाना, बाजू में खड़ा रहना, इधर भी बाजू में खड़ा रहना, बाजू में खड़ा रहोगे पैर तो वो जोर से झटकने ही वाला है, लेकिन हम बाजू में खड़े तो हमको पैर नहीं लगेगा, हम गलती करेंगे बीच में जाएंगे तो पैर हमको लात नहीं मारेगा, पर वो झटकने से जोर से लग सकता है, इतना जोर से सर में मार लगे बेहोश है, अगर आपने ये रिसीव नहीं किया तो इनकी मौत जगह पे हो सकती है, या जाते जाते रास्ते में भी मौत हो सकती है, बट अगर हमने ये भी सीख किया तो मौत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि उसका ये भी खुदा है और शरीर से बहने वाला खून हमने शरीर में रुका के रखा है, शरीर के अंदर सफिशियंट ब्लड है, ये भी खुदा है तो आदमी आसानी से नहीं मरता है ना, तो हमने ये दोनों चीजें मेंटेन रखी है इसलिए मौत नहीं होगी, जान तो बच गई लेकिन हाथ गया पैर गया पैरालिसिस हुआ, ऐसी घटनाएं काफी हम सुनते हैं, क्यों, क्योंकि हो गई डिफॉर्मिटी को हम स्टेबल ही नहीं करते, उसको हर जगह पे उठक पटक उठक करते तो उतनी बार मोमेंट होते हैं वो डैमेज बढ़ता है तो निकालना पड़ता है पार्ट, तो वो हमने सेव कर दिया सपोर्ट बांध के, है ना। तो ए बी सी डी की वजह से हमने क्या किया, सीरियस आदमी की जान बचाई। अभी मानो कि पेशेंट एक्सीडेंट है, बेहोश है, उसको ज्यादा हिलाना नहीं है, सिर्फ उसकी गर्दन या तलवट पे करना है, चीन को ऊपर करना है, और अगर किसी भी वजह से आदमी बीमार है तो उसको एक तलवट पे सुलाना है, तो ये तलवट पे कैसे करेंगे, तो उसके घुटनों के बल घुटनों के ऊपर एक हाथ डालना है बीच में से शोल्डर के नीचे है, और मन में गिनती करनी है एक दो तीन, आराम से एक आदमी एक करवट पे करता है, ये करवट पे सुला देना है, ये करवट पे सुला के क्या करना है, पीछे से नीचे का पैर उनका सीधा रखना है, वैसे नीचे का हाथ सीधा रखना है, ऊपर का पैर घुटने में झुका है, ऊपर का हाथ कोनी में झुकाना है, हाथ का पंजा कान के नीचे लेना है, और ये कोनी को जमीन को लगना चाहिए, ऊपर हवा में नहीं रखना, कोनी जमीन को चिपकनी चाहिए, हाँ? देखो नीचे का पैर सीधा, नीचे का हाथ सीधा, ऊपर का पैर घुटने में झुका है, ऊपर का हाथ कोनी में झुका है, आदमी बेहोश है तो ये गर्दन ऐसे पीछे पड़ेगी, हाँ? अभी देखो सारे स्पाइन खुले हैं, प्रेशर कुछ नहीं दिए, पेट का वजन छाती पे नहीं आ रहा है, छाती खुली है, मुंह के अंदर कुछ भी सलावा वगैरह आएगा जबान पे गिरेगा, नीचे जमीन पे गिरेगा, जबान मुंह में है, सांस के रास्ते में रुकावट में, तो आदमी को अनकॉन्शियस स्टेटस में रिकवरी पोजीशन बोलते हैं, ये रिकवरी पोजीशन में पेशेंट को खुद को कंफर्टेबल होगा, इसलिए हमेशा उनको ये करवट पे सुलाया जाता है, और आपको दूर से दिखाई देता है साथ चल रहे डाउट आ
कर सकते हैं सब लोग। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात, कुछ भी हादसा हो जाता है तो हम लोग सब लोग तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं, है ना, सब लोग उसको मदद करते हैं। अब मदद करते से पहले जितने भी लोग जमा हो गए सब लोग एक बात को बहुत दोहराते हैं, क्या पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, है ना। ये पानी पिलाने में बहुत हम लोग ये करते हैं, इंसिस्ट करते हैं, क्यों, हर आदमी को पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, पहले पानी पिलाओ, क्यों बोलते हैं ऐसा, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ क्यों बोलते हैं, क्या वजह है बोलने की, क्या होता है, पानी मर, पानी मर, पहले पानी नहीं पिलाना है, गलती से भी पानी नहीं पिलाना, क्यों नहीं पिलाना है वो पता होगा। अभी सबको एक्सपीरियंस ही है, बचपन में आप लोग खेलते समय खेलते खेलते गिर जाते हैं या मार लगता है चोट लगता है, है ना, तो हम खेल छोड़ते दिन भर खेलते, है ना, फिर शाम को घर गए, हाथ पांव धो लिया, भगवान पूजा किया, खाना खाया, सो गया, सवेरे उठता है ऐसा इतना सुने तो हमारे बॉडी का गुण धर्म है, कहीं पे भी मार लगता है वहां पर सूजन आती है जाती है, ये बॉडी का नेचर है, है ना, डिपेंड कितने जोर का मार लगा है, तुम्हारे बॉडी की ताकत कितनी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सूजन आएगी कब, है ना, तो पहले 6 घंटे में कभी भी सूजन आ सकते हो, तुरंत 1 सेकेंड में आता है, 1 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद, और 24 घंटे के बाद वापस धीरे 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 धीरे, है ना, तो वैसे ही सर पटक गया, सर को मार लग गया, तो सर के अंदर क्या है, सर के अंदर क्या है, ब्रेन, सबसे इम्पोर्टेंट अगर ब्रेन है, तो हमारा ब्रेन जेली की तरह नरम होता है, तो मानो कि ये ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर पूरा सेंसेशन सप्लाई करने वाला नस का जाला होता है, और ब्रेन स्कल के अंदर है, कोटी के अंदर, तो कोटी हड्डी की कड़क है, ये ब्रेन नरम है, यहाँ पे पूरा सेंसेशन सप्लाई करने वाला नस का जाला है, तो सर पटक गया, ब्रेन को मार लग गया, तो ब्रेन को भी सूजन आता है, अब ब्रेन को बढ़ने को जगह नहीं है, क्योंकि स्कल कवटी ऊपर है, तो जगह नहीं है, फिर ब्रेन क्या होता है, जगह पे ही टाइट होता है, कड़क होता है, जो नरम है वो कड़क हो जाता है, तो नीचे से ब्रेन और ऊपर से कवटी, इसके बीच में सेंसेशन सप्लाई करने वाले नस के ऊपर पूरा प्रेशर आता है, जब प्रेशर आता है तो आदमी बेहोश होता है, लेकिन ब्रेन की सूजन बढ़ने लगने लगी तो ब्रेन से सेंटर लाइन मैसेज शरीर को सप्लाई किया जाता है, क्या आपके पेट के अंदर कुछ खाया पिया रहेगा तो बाहर फेंको, मतलब उल्टी करो, सर को मार लगा आदमी को उल्टी होगी, क्यों, क्योंकि सूजन बढ़ना चालू हो जाता है तो सेंटर लाइन मैसेज सप्लाई हो जाता है, तुरंत उल्टी करो, है ना, तो उल्टी आती है, अब उल्टी आना ये सेंसेशन सेंटर लाइन मैसेज, तो सेंटर लाइन मैसेज का मतलब क्या है, आदमी होश में तो भी उल्टी करेगा, बेहोश है तो उल्टी करेगा, तो उल्टी आना ये प्रोसीजर कहां से कहां तक है, पेट से लेके गले तक, अब गले में आया हुआ उल्टी को बाहर थूकने का, अंदर निकलने का, या मुंह के अंदर पकड़ के रखने का, कब कर सकता है आदमी, होश में है तो, है ना, बेहोश नहीं, तो जब उसको मार लगता है हम लोग पुण्य का काम करते हैं, तुरंत उसको पानी पिला के, पानी पीता है, पानी जाता पेट में जाता है, लेकिन उसके ब्रेन की सूजन बढ़ते समय आदमी बेहोश होता है, उसको उल्टी आती है, उल्टी आती है गले में, गले में दो रास्ता है, फुट पाइप विंड पाइप, फुट पाइप से बाहर निकल रहा है, विंड पाइप अंदर हवा खींच रहा है, पूरा उल्टी आता है, जाता सांस के रास्ते, वो सबसे इम्पोर्टेंट है सांस का रास्ता, वो सांस का रास्ता है पानी से बंद होता है, और सांस का रास्ता बंद होने की वजह से वो आदमी मरता है, अगर आपने पानी नहीं पिलाया होता तो उसको उल्टी नहीं आती, उल्टी नहीं आती तो बस सब करता, लेकिन आपने पानी पिलाया, पानी की वजह से उल्टी आ गई, और उल्टी सांस के रास्ते में रुकावट बन के आदमी मर गया, इसलिए गलती से भी पानी पिलाना नहीं, ठीक है।